नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर हो जाता है फिजियोलॉजी का, अपना हो जाता है पार्ट नंबर सेकंड। कौन सा पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा और हमने क्या देख रखा है, पार्ट नंबर फर्स्ट देख रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, MCQ क्वेश्चन अपने हो जाते हैं और ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की ओर, टाइम ना गवाते हुए, समय आपका कम है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है। आज हम देखेंगे बुद्धि से लेकर, तो पहले हमने फर्स्ट लेकर फाइव तक देख लिए थे, अब हम देखेंगे फाइव से लेकर नाइन तक। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स वाला देखने वाले हैं, तो सिक्स को देखना है। सिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो बात करते हैं, बुद्धि एक संबंधात्मक चिंतन है, यह कथन किसका है? जो बुद्धि है वह एक संबंधात्मक चिंतन है, यह किसका कथन है आपको बताना है। सिरिल बर्ट, यह एम्पर स्पीयरमैन, एडवर्ड या फिर टर्मन। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएंगे सिरिल बर्ट का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या सिरिल बर्ट यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह परिभाषा किसकी है? बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है, यह परिभाषा किसकी है? बुडरो, बुडवर्थ, टर्मन या फिर थॉर्नडाइक की। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? वुडवर्थ की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। यहां देखा है बुद्धि के तीन मापदंड हैं, बुद्धि के कितने हैं? तीन मापदंड हैं। पहला हो जाता है निर्णय करना, दूसरा समझना, तीसरा तर्क करना। निर्णय करना, समझना, तर्क करना, देखा है किसने बताए हैं? तो पहला देखा है तुम्हारा सिरिल बर्ट, स्टर्न, बुडरो, टर्मन। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वह हो जाएगा अपना सिरिल बर्ट ने बताए हैं। किसने? सिरिल बर्ट ने बताए हैं। देखा है बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के जनक हैं, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के जनक कौन हो जाते हैं? आपको यहां पर आंसर देना है। तो कौन हो जाएंगे? पैद रखा है स्पीयरमैन, बिने टर्मन, गैरेट या फिर कोल। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो वह कौन हो जाएंगे? बिने टर्मन हो जाएंगे। ठीक है, तो बुद्धि का एक खंड सिद्धांत के जनक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे बिने टर्मन। आगे देखते हैं, बुद्धि के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या फिर बुद्धि का द्वित्व सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने या फिर बिने ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो कौन हो जाएंगे? ये देखा है बुद्धि का द्वित्व सिद्धांत या फिर दो खंड का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। यहां देखा है बुद्धि के मात्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बुद्धि के मात्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टर्मन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर हो जाता है अपना बिने। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, तो वह हो जाएंगे थॉर्नडाइक ने दिया था। क्या बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हो जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का बहुत्व सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, अथवा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन, टर्मन, थॉर्नडाइक या थर्स्टन। यहां पर बताना है कौन सा हो जाएगा। राइट, थर्स्टन भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो किसने दिया था भाई? तो बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत या फिर बहुकारक सिद्धांत दिया था किसने? थर्स्टन ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण के जनक हैं, बुद्धि, तेज बढ़ता हूं ना तो थोड़ी सी जी पलट जाती है ना, कोई बात नहीं। बुद्धि परीक्षण के जनक हैं कौन हो जाते हैं? आपको बताना है बिने, टर्मन या फिर स्टर्न या फिर रखा है थॉर्नडाइक। यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? वो हो जाते हैं बिने। कौन हो जाते हैं भाई? बिने जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिएगा, यहां देखा है स्टैनफोर्ड बी ने स्केल किससे मापन में प्रयोग किया जाता है?
आपको बताना है जो स्टैनफोर्ड बीने है स्केल वह किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिवृत्ति या फिर चरित्र। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बुद्धि के मापन में किया जाता है, किसका, स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आर्मी क्लॉफ भाषीय परीक्षण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, आर्मी अल्फा, ठीक है, आर्मी अल्फा भाषीय परीक्षण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, रुचि, आयु, बुद्धि या फिर अभिवृत्ति। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बुद्धि के मापन में किया जाता है आर्मी अल्फा भाषीय परीक्षण का प्रयोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की धारणा किसने दी थी, तो इसका आंसर देना है बुद्धि लब्धि की धारणा किसने दी थी। मेरा दिमाग कहाँ पे समय बनाई, तो आंसर दीजिएगा, ठीक है, बुद्धि लब्धि की धारणा किसने दी थी, टर्मन, बिने या फिर स्पीयरमैन या फिर हो जाता है तुम्हारा स्टर्न। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो बुद्धि लब्धि की जो धारणा है वो दी थी किसने भाई, किसने दी थी, बिने ने, स्टर्न ने, यार मेरे को टर्मन होगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा भाई, टर्मन हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की धारणा किसने दी थी, टर्मन ने दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बुद्धि मापन के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, तो बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र बताना है कौन सा हो जाएगा, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु में मल्टीप्लाई 100, या बताइएगा यहां पर आप देख सकते हो, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय आपको दिया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा राइट भाई, ऑप्शन नंबर आ ही राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ ही होगा, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100% निकाल देंगे, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा भाई, सूत्र हो जाएगा बुद्धि लब्धि का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, जो मानसिक आयु का विचार था वह किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, टर्मन, वुडवर्थ, क्रोक्रो या फिर बिने। तो यहां पर राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, तो वह दिया था बिने ने, किसने दिया था, बिने ने दिया था, मानसिक आयु के विचार किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे, तो वह दिए थे बिने ने। आगे बढ़ते हैं, मानसिक आयु के द्वारा क्या मापा जाता है, व्यक्तिगत, उपलब्धियां, बुद्धि या फिर अभिवृत्ति। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु द्वारा मापा जाता है, बुद्धि माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 110 या फिर 110 से 120। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, तब हो जाएगी 90 से 110, क्या हो जाएगी 90 से 110 हो जाएगी, एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारतवर्ष में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बताया है, किसने बनाया था, भारतवर्ष में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था, सोहनलाल ने, डॉक्टर सी एम भाटिया ने, सी एच राइस ने, डॉक्टर जलूटा ने। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, भारतवर्ष में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था, तो वह किसने बनाया था, यह बनाया था अपने सी एच राइस ने, कितने, सी एच राइस ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण संबंधित है किससे है, आपको बताना है, व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, अभी हमने देखा था आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, रुकेंगे यहां पर, व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस किस शब्द से हुई है, तो फटाफट आंसर देना है भाई, बिल्कुल सही, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर पर्सन, बिल्कुल राइट, ठीक है, पर्सन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परसोना भी कह सकते हैं, परसोना, ठीक है, परसोना, क्योंकि पर्सन इसे भी कह सकते हैं, तो यहाँ परसोना कह दीजिएगा, ठीक है, परसोना, यहाँ पर पर्सनालिटी का परसोना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसने कहा है कि व्यक्तित्व जनजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा है कि व्यक्तित्व जनजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, तो किसने कहा है, मन ने, वैलेंटाइन ने, कैंप ने या फिर मॉडर्न प्रिंस ने। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाए, किसने कहा है व्यक्तित्व जन्मजात अथवा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये कहा है अपने
वैलेंटाइन ने, किसने कहा है भाई, वैलेंटाइन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशीलता संगठन है, गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ व्यक्ति के अद्वितीय समायोजन स्थापित करता है, यह परिभाषा किसकी है। व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ व्यक्ति के अद्वितीय समायोजन स्थापित करता है, यह परिभाषा किसकी है। वैलेंटाइन की, ऑलपोर्ट की, ड्रेवर की, या फिर मन की। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलपोर्ट की हो जाती है। किसकी, ऑलपोर्ट की, यह परिभाषा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वय रूप है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित कौन सा है, समन्वित रूप है, यह परिभाषा है किसकी है। जो व्यक्तित्व गुण हैं उनका समन्वित रूप है, यह परिभाषा किसकी है। वुडवर्थ, गिलफोर्ड की, या मॉर्गन की, या फिर स्किनर की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिलफोर्ड की हो जाती है। किसकी, गिलफोर्ड की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है, व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है जैविक, मनोवैज्ञानिक, जैव रासायनिक, मना शारीरिक। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, इसे माना जाता है मना शारीरिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, थॉर्नडाइक ने, ऑलपोर्ट ने, हिप्पी कैटिज ने, या फिर कैटेल ने। तो राइट आंसर क्या होगा, हिप्पी कैटिज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिप्पी कैटिज हो जाएगा। व्यक्तित्व का आर्थिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, हिप्पी कैटिज ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है तुम्हारा, सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं, जो सेल्डन है उसने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं, 3, 4, 5, 6। तो कितने बतलाए हैं भाई, 3 प्रकार बतलाए हैं सेल्डन ने व्यक्तित्व के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है व्यक्तिगत होगा, ठीक है, यहाँ पर एक ही मात्रा होगी। व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, जुंग, गैरेट, टर्मन, बिने। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुंग हो जाएगा। किसने किया था, जुंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं, जुंग ना व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं, जुंग ने होगा, ठीक है, यहां पर जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं, 2, 3, 4, 5। तो जुंग ने कितने बतलाए हैं भाई, इन्होंने 2 बतलाए हैं। इन्होंने कितने बतलाए हैं व्यक्तित्व के, 2 प्रकार बतलाए हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दो प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया, निम्नलिखित दो प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया था, एक था बहिर्मुखी, एक था अंतर्मुखी। इस व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया था, ऑलपोर्ट ने, क्रोक्रो ने, गिलफोर्ट ने, या फिर जुंग ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएंगे, जुंग ने किया था। ठीक है, किसने किया था, जुंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है, आपको बताना है वर्गीकरण किसने किया है, ऑलपोर्ट ने, क्रैचमर ने, जुंग ने, या फिर फ्राइड ने। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो किसने किया है, क्रैचमर ने किया है। किसने, क्रैचमर ने किया है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण का अध्ययन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, क्रैचमर क्या है, क्रैचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं। अब क्रैचमर ने कितने बतलाए हैं वो बताइएगा, 2, 3, 4, 5। तो क्रैचलर ने कितने बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकार, इन्होंने बताए हैं 3 प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं। अब थॉर्नडाइक की बात हो गई कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं, तो इन्होंने कितने बतलाए भाई, इन्होंने बतलाए हैं 3। कितने बताए, इन्होंने भी 3 बतलाए हैं थॉर्नडाइक ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है तुम्हारा, स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं। अब स्प्रिंगर आ गए, स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बतलाए हैं, 4, 5, 6, 7। तो इन्होंने बता दिए भाई 6 प्रकार होते हैं व्यक्तित्व के। ठीक है, ध्यान रखना सबका, क्रेचमर ने कितने बताए, 3। थॉर्नडाइक ने कितने बताए, 3। स्प्रिंच और स्प्रिंगर ने कितने बताए, 6। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है, अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है, सामंजस्यता, सामाजिकता, दृढ़ इच्छा शक्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगी। अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है, सामंजस्यता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं,
व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कैटेल, ऑलपोर्ट, फ्राइड या फिर क्रेचमर? तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह हो जाते हैं फ्राइड। क्या हो जाते हैं? फ्राइड हो जाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? अच्छा, पह दे रखा है तुम्हारा साक्षात्कार, प्रेक्षण, प्रश्नावली या फिर परीक्षण। तो यहां पर राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाती है? तो इसका आंसर देना है कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रक्षेपण। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। आगे देखते हैं, टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? टीएटी परीक्षण जो होता है वो किसका मापन करता है? बुद्धि, उपलब्धि, व्यक्तित्व तथा रुचि का। तो राइट आंसर क्या होगा? जो टीएटी परीक्षण होता है वो किसका मापक करता है? ये मापक करता है व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का मापन करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहां देखा है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण मापता है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण मापता है किसके लिए? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि या फिर उपयुक्त, तो सभी के लिए। तो जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो किसे नापता है? वो मापता है व्यक्तित्व के लिए। किसके? व्यक्तित्व के लिए यह मापता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? व्यक्तित्व की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? याद रखा है तुम्हारा फ्रीमैन, कैटल, आलपोर्ट, मन। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आलपोर्ट ने दी है। व्यक्तित्व की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? आलपोर्ट ने दी है। आगे बढ़ते हैं, रखा है सतही शीलगुण तथा स्त्रोत शीलगुण किसने बताया है? सतही शीलगुण तथा स्त्रोत शीलगुण किसने बताया है? कैटेल, आलपोर्ट, लेविन या मरे? तो यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा? कैटेल रहने वाला है। क्या? कैटेल रहने वाला है, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे यहां पर अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चनों के लिए। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, बताना है किस भाषा से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा राइट भाई? तो हो जाएगा मोटम। किससे? मोटम से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रेरक कोई एक विशेष आंतरिक कारक या दशा है। प्रेरक क्या है? प्रेरक कोई एक विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें किसी क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किसने दी है? प्रेरक कोई एक विशेष आंतरिक कारक या फिर दशा है जिसमें किसी क्रिया के आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किसने दी है? मैकडूगल ने, गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने या फिर लाबेल ने? तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा भाई कौन सा? बिल्कुल, सभी लोगों का आंसर राइट आ चुका है, गिलफोर्ड। किसने? गिलफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा किस प्रकार की क्रिया है? अभिप्रेरणा जो है वो किस प्रकार की क्रिया है? मनोशारीरिक, शारीरिक, मानसिक या फिर जैविक हो जाती है? तो अभिप्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है? ये हो जाती है मनोशारीरिक अभिक्रिया। क्या थी? मनोशारीरिक क्रिया अपनी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा का प्रथम स्त्रोत क्या है? अभिप्रेरणा का प्रथम स्त्रोत क्या है? पहले क्या है? लक्ष्य, पुरस्कार, आवश्यकता या फिर चालक? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा का प्रथम स्त्रोत क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? आवश्यकता हो जाएगी। क्या? आवश्यकता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? दो, तीन, चार या फिर पांच? तो अभिप्रेरणा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। आगे देखिएगा, जन्मजात प्रेरक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जन्मजात प्रेरक जो होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शारीरिक प्रेरक, प्राथमिक अप्राथमिक प्रेरक, जैविक्रिय प्रेरक या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जन्मजात प्रेरक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं, प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं और जैविकीय प्रेरक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूख और प्यास कैसे प्रेरक हैं? भूख और प्यास कैसे प्रेरक हैं आपको बताना है, व्यक्तिगत, सामाजिक, जन्मजात या फिर अर्जित? तो भूख प्यास कैसी लगती है? जन्मजात हो जाता है। आगे बढ़ते हैं,
रुचि आदत वाली कैसी प्रेरणा है, रुचि जो है वो रुचि आदत दो हैं, रुचि आदत आदि कैसी प्रेरणा है आपको बताना है, कैसे प्रेरक हैं। ठीक है, कैसे प्रेरक हैं रुचि और आदत, कैसे प्रेरक हैं, जन्मजात, अर्जित, सामाजिक, कृत्रिम। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये अर्जित प्रेरक है। कैसे अर्जित प्रेरक हैं जी, हमने ज्ञान लिया है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दे रखा है दंड और पुरस्कार है, क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक या फिर स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। दंड और पुरस्कार हैं, क्या हैं ये, एक होते हैं कृत्रिम प्रेरक, क्या हो जाते हैं, कृत्रिम प्रेरक अपने हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरक एक शक्ति है, प्रेरक क्या है, एक शक्ति है, मानसिक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक या फिर आंतरिक। तो प्रेरक एक शक्ति कैसी हो जाती है, ये अपनी हो जाती है आंतरिक शक्ति है। कैसी है, यह एक आंतरिक शक्ति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अभिप्रेरक जैविकीय का प्राथमिक नहीं है, कौन सा अभिप्रेरक जैविकीय का प्राथमिक नहीं है, उपलब्धि, भूख, प्यास, यून। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा उपलब्धि, क्या हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा। अब हम देखेंगे लास्ट के लिए, जिसमें देखेंगे हम संवेगों के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में रखा है लिंक, वहां जाके आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहां पर देखने वाले हैं संवेग से रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए, तो फटाफट सभी लोगों को इसके भी आंसर देना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा हमने रेस्ट ले लिया। ठीक है, तो बात करते हैं संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत कौन सा है, संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत कौन सा है आपको बताना है। जेम्स लॉजे सिद्धांत, कैनन बॉर्ड सिद्धांत, संज्ञात्मक सिद्धांत या फिर हो जाता है स्केक्टर सिंगर सिद्धांत। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट अपना रहने वाला है, तो वह हो जाएगा कैनन बॉर्ड सिद्धांत, क्या हो जाएगा, कैनन बॉर्ड सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संवेग का परिधीय सिद्धांत कौन सा है, संवेग का परिधीय सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, कैनन बॉर्ड सिद्धांत, जेम्स जॉले सिद्धांत, याद रखा है अपना संज्ञात्मक सिद्धांत या सक्रियता सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, पहला क्या था, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, अब दे रखा है परिधीय सिद्धांत कौन सा रहने वाला है, तो वह हो जाएगा जेम्स लॉजे सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, जेम्स लॉजे सिद्धांत अपना रहने वाला। आगे देखते हैं, संवेग की उत्पत्ति में सबसे पृष्ठ भूमिका किसकी होती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन या फिर थैलेम्स की, हाइपोथैलेमस की या फिर दे रखा है गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया की। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस की। संवेग की उत्पत्ति में सबसे पृष्ठ भूमिका किसकी होती है, हाइपोथैलेमस की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संवेगात्मक अनुभूति का उत्पन्न होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है, तो किस में होगा, कौन सा सिद्धांत है वह, कैनन बोर्ड का सिद्धांत, जेम्स लॉजे का सिद्धांत, संज्ञात्मक सिद्धांत या फिर स्केक्टर सिंगर सिद्धांत। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जेम्स लॉजे का सिद्धांत, कौन सा, जेम लॉजे का सिद्धांत यहां पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, संवेग की अवस्था में कौन सा भाग सक्रिय होता है, संवेग की अवस्था में कौन सा भाग सक्रिय होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लघु मस्तिष्क या फिर सुमना। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो होता है वो सक्रिय रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्पेक्टर सिंगर द्वारा संवेग के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, इसका आंसर देना है हाइपोथैलेमस सिद्धांत, संज्ञात्मक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, परिसंपत्ति। राइट आंसर हो जाएगा संज्ञात्मक सिद्धांत दिया था किसने, स्कैटर सिंगर ने। ठीक है, सिंगर ने कौन सा दिया था, संज्ञात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संज्ञात्मक अवस्था में मस्तिष्क में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, संज्ञात्मक अवस्था में मस्तिष्क में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे, गामा तरंगे, डेल्टा तरंगे या फिर गामा तरंगे, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर राइट रहने वाला। देखिएगा, जो संवेगात्मक अवस्था होती है उसमें मस्तिष्क में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, वह होती है बीटा तरंगे उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहां देखा, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो इमोशन जो शब्द है उनकी जो उत्पत्ति हुई है किस लैटिन शब्द से हुई है आपको बता, बिल्कुल किससे हुई है, अपना आंसर देना भाई, इमोबर। यहां पर क्या हो जाएगा, इमोबर, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहने वाला है भाई,
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इमोशन की उत्पत्ति इमोवर से हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संवेग संवेग व्यक्ति की उत्पत्ति दशा है, संवेग व्यक्ति की संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है किसका है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कथन किसका है, क्रोक्रो का, जेम्स ड्रेवर का, या फिर हो जाता है वुडवर्थ का, या फिर किम्बल यंका, ठीक है, नाम भी अटपटे रखे हैं सारे के सारे, बताएगा यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह किसने बताया है, यह बताया अपने वुडवर्थ ने, किसने, वुडवर्थ ने बताया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है किसने कहा है कि संवेग एक उपद्रव्य की अवस्था है, किसने कहा है कि संवेग एक उपद्रव्य की अवस्था है, तो ये किसने कहा था, रॉस, जेसिल्ड, वैलेंटाइन, पीटी यंग, तो ये किसने कहा था भाई, ये कहा था पीटी यंग ने, किसने, पीटी यंग ने कहा था कि संवेग एक उपद्रव्य की अवस्था है, संवेग एक उपद्रव्य की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संवेग में परिवर्तन होते हैं, संवेग में परिवर्तन होते हैं, कौन से, ग्राह, आंतरिक, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो संवेग होते हैं द्रव्यमान के संवेग, इनमें दोनों के दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जेम्स लोजे सिद्धांत के अनुसार पहले क्या अनुभव होता है, जेम्स लोजे सिद्धांत के अनुसार पहले क्या अनुभव होता है, आपको बताना है, संवेगात्मक व्यवहार, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक अनुभव, संवेगात्मक ज्ञान, यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा संवेगात्मक व्यवहार, देखने को यहाँ पर अनुभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है खत्म, पार्ट अपना सेकंड भी हो जाता है खत्म। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया भाई, फिजियोलॉजी को बहुत इसी प्रकार से पढ़ लिया, मनोविज्ञान को, तो बात करते हैं एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, अब इसी प्रकार से आप रीड कर लोगे, एक से दो तीन बार यहाँ पर आप रीड करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में जाएंगे। और एक बार एग्जाम में जाने से पहले ना आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे ऐप डाउनलोड करना चाहिए तो ऐप भी हो जाएंगे, वो हमें जो है हमारे साइट जाना पड़ेगा आपके लिए www.hacktech.com, वहां पर जाके आप फ्री में और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो चाहें वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।